हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी 7 बजे और मैं रेडी हो चुकी हूँ। कल का ब्लॉग अगर देखा होगा आपने तो आज देखेंगे, कल वाला ब्लॉग आज देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि हाँ मुझे कहीं जाना है, तो मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और मिलती हूँ पहुँच कर या फिर रास्ते में मिलती हूँ। और कहाँ जा रही हूँ ये भी आप आगे आपको देखने को मिलेगा। और बने रहिए वीडियो में, दर्शन करने चलते हैं एक जगह, बहुत ही अच्छी जगह। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी दर्शन करिएगा। सावन का महीना चल रहा है और वहाँ पे जहाँ जा रही हूँ बहुत भीड़ होती है, इसीलिए मंडे को जाना कैंसिल किया, क्योंकि मंडे वाले दिन अगर मैं जाती तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, तो दर्शन भी अच्छे से होते कि नहीं होते। तो इस वजह से आज फ्राइडे को जाना डिसाइड किया। और मैं हूँ और एक दीदी हैं और 2-3 लोग और हैं फ्रेंड्स, तो जा रहे हैं, तो मिलते हैं रास्ते में। बस गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम था तो मैं चाय बना के पीने लगी, क्योंकि काफ़ी तेज़ जुकाम हुआ है, थोड़ा सा तबीयत लूज थी। और मैं उसके बाद मैं निकल गई हूँ और मैं पहुँच गई हूँ दीदी के घर पे। यहाँ से दीदी को लेना है, दीदी को और दीदी की बेटी को। तो हम लोग रास्ते में हैं और प्रदीप मिश्रा जी आए थे, तो उनकी ही बातें चल रही थी कि उन्होंने जिस तरह से पूजा बताई है। तो आजकल हर मंदिर में इतनी भीड़ हो रही है हमारे यहाँ शिव जी के मंदिर में। पहुंच चुके हैं हम लोग और अब गाड़ी से उतर चुके हैं और यही पास में ही है मंदिर। और बस ये नल से हाथ धुलेंगे पहले, यहाँ पे ये है नल और हाथ धुलेंगे और उसके बाद फिर चलते हैं मंदिर की तरफ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं और मंदिर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ के प्रसाद वगैरह यानी मतलब पूजा से ही संबंधित सारी जो दुकानें पड़ेंगी, और ये भी दुकानें सभी जो है पूजा से ही संबंधित है, तो प्रसाद वगैरह खरीदेंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने पूजा का जो भी सामान होता है वो सारा लिया और प्रसाद वगैरह लिया। तो ये थाली पूरी ली थी पूजा की, तो इसमें सब सामान था। और हम लोगों कुछ लेके भी गए थे, हम लोग थोड़ा सा सामान जैसे बेलपत्री धतूरा वगैरह लेके भी गए थे, और जो थाली ली तो उसमें भी सब कुछ मिला था हम लोगों को। और उसके बाद हम लोगों ने प्रसाद लिया और जहाँ जहाँ हम सूट कर सकते थे वहाँ वहाँ हमने सूट किया, और जो बड़ा मंदिर था वहाँ नहीं कर पाया। कलेजी हो गया और धतूरा भी हो गया, एक इंच और मैंने तो अपना जल ना इसमें पलट लिया। ये नंदी हैं, तो अंदर शिव जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे फिर दर्शन किए जाते हैं इनके। और यहाँ पे आपको कोई विश बोलना है तो इनके कान में बोल दीजिए।
तो ये जमुना जी हैं, यहाँ से हम जल भरेंगे और तब अंदर शिव जी पे चढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो जमुना जी हैं वो उल्टी धार है उनकी, कुछ उन है ऐसा यहाँ की कहानी, ऐसा इतिहास है यहाँ का जो मुझे नहीं पता है अच्छे से। ये गौरा मैया हैं और ये वाली और ये शिव जी हैं। यहाँ पे दूसरे थे और जो मंदिर था बड़ा वो अलग था। और ये नंदी हैं जो यहाँ पे आके बाद में हम लोगों ने जो भी मतलब बोलना था कहना था कहा। ले लेंगे जमुना जी भी आने चाहिए। कहाँ तक ले पीछे तक जमुना जी बम बोले बम बोले सब लोग बोलो सब लोग आगे नहीं खुल रही नहीं खा हुआ मैं आगे नहीं खुल रही आगे ना चल एक सौ आठ मंदिर हैं जो हम लोगों ने नहीं घूमे क्योंकि वहाँ पे दो दिन रुको तब फिर अच्छे से घूम पाओ। और उन मंदिरों को कोई गिन नहीं पाता है, कभी कम और कभी ज़्यादा हो जाते हैं गिनने में। कहीं से भी नहीं है ना, जहाँ से आप लोग चलो मौसी का आदेश सर। और कहाँ ले हम लोग खाना तो अपना लेके गए थे लेकिन यहाँ पे गोलगप्पे खाए। और महिलाओं को आप जानते सभी लोग जानते हैं कि गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो देखने के बाद तो फिर तो है ना, तो फिर सबने गोलगप्पे खाए। सभी लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे थे तो साथ में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बाय उगल ले हो यही रोक दो भैया। हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। गंगाई पटेश्वर भगवान की जय। बम बम बोले बम बम बोले घर घर बोले। हम बुलाए हम क्या कि नहीं वाह। रास्ते में यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया सभी ने।
देखो रास्ते में भी मस्ती की है। ये देखो धतूरा का पेड़ पड़ा तो उन्होंने धतूरा तोड़े हैं कि घर में शाम को पूजा करने के लिए। और धतूरा, बेलपत्री, फूल रास्ते से पता नहीं लोगों ने क्या क्या तोड़ा। देखो देखो सभी लोगों ने मस्ती की काफी। ढाई बजे समथिंग, 3 बजे समथिंग मैं आ गई थी वापस और काफ़ी थकान हो गई है और जुकाम भी हुआ है और सर में दर्द हो रहा था। उस टाइम जब मैं वापस आई तो मैं थोड़ा सा लेट गई, अभी लेट के उठी, चाय बनाई तो चाय पी चुकी हूँ और जा रही हूँ। कुछ बर्तन हैं उनको धुलूंगी, फिर खाना पीना देखूंगी, उसके बाद नहाऊंगी। बस कहते हैं कि ऐसी जगह से आने के बाद नहाना नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने तुरंत नहीं नहाया। रात को नहाऊंगी, अब सारा काम कर लूँ पहले, उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि बाहर जाके बिना नहाए चैन नहीं पड़ता है। गर्मी का टाइम है इसलिए, सर्दी हो तो चल जाता है लेकिन गर्मी में जब तक नहा नहीं लो तब तक मतलब अजीब सा लगता है। और काफ़ी गर्मी है, बारिश नहीं हुई है 2-3 दिन से, तो गर्मी काफ़ी है। तो जा रही हूँ फटाफट से पहले काम कर लूँ और खाना बस हल्का फुल्का बनाऊँगी क्योंकि थकान हो रही है काफ़ी। तो जा रही हूँ फटाफट से काम निपटा लूँ, उसके बाद नहा लूँ और फ्री हो जाऊँ फटाफट से। तो चलते हैं किचन में, पहले कुछ बर्तन हैं उनको धुलेंगे, उसके बाद खाना पीना देखेंगे। और काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे। और देखिए जब दर्शन होने होते हैं तो अचानक से भगवान बुला लेते हैं हमें, और वही हमारे साथ हुआ। कुछ नहीं पता था बिल्कुल जाने का, बस 2 दिन पहले हमने उन दीदी से बोला, मैंने कहा दीदी चलो ऐसे से वहाँ पे चलते हैं, और हम लोग आज फाइनली पहुंच गए और अच्छी तरह से दर्शन हुए। सोच रही थी कि सावन का महीना चल रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। काफ़ी अच्छे से हर मंदिर में दर्शन हुए बहुत अच्छे से, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और मंडे को नहीं गए थे हम लोग इसीलिए कि सावन चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती है मंडे को, तो इसलिए हम मंडे को नहीं गए थे। और जो सावन का महीना होता है वो पूरा महीना शिव जी का होता है, तो किसी भी दिन चले जाओ, कोई ऐसा नहीं है। अदर महीने में फिर ऐसी जगह सोमवार को ही जाना चाहिए जहाँ शिव जी का ही मंदिर है, लेकिन सावन के महीने में आप किसी भी दिन चले जाओ, हर दिन शिव जी का है, हर दिन भोलेनाथ का है। तो हम लोग वापस आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो अब जा रही हूँ मैं किचन में काम करूँगी और ये वीडियो यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ। थैंक यू, अपना अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है।